हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआरटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाला है इनसाइड द सीपीयू बॉक्स से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, तो प्लीज वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। बट बिफोर बिगनिंग गाइज, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, चलते हैं, हम देखते हैं क्या है इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। तो देखेंगे हम कौन कौन से हमें पार्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो सीपीयू बॉक्स के इनसाइड पाए जाते हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका मदरबोर्ड, सेकेंड पॉइंट है आपका सीमोस जिसका फुल फॉर्म है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तीसरा है पावर सप्लाई, चौथा है बायोस जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड नेक्स्ट है मिनी फैन, एंड नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन स्लॉट। तो चलते हैं हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है ये, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका यूज क्या है। तो हम इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, और फिर से मैं अगेन कहूंगी गाइज, आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपसे एक भी टॉपिक छूटे ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर परस्पेक्टिव से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे मदरबोर्ड के अबाउट। तो मदरबोर्ड के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं गाइज। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, हार्ड डिस्क, यूएसबी डिवाइस, पावर यूनिट्स आदि उपकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े रहते हैं। इसी के द्वारा कंप्यूटर से संबंधित सभी उपकरणों को जोड़ा जाता है और इन्हें मैनेज भी किया जाता है। इनका नाम हम बाद में देखेंगे गाइस, पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। मदरबोर्ड क्या होता है गाइस? हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन बोर्ड होता है। मेन का मतलब जान गए, मुखिया होती हैं। तो इसको मॉम क्या करती हैं, मदर का मतलब मम्मी ही होता है, तो मॉम ही सबका ख्याल रखती हैं। तो वैसे ये भी होता है, इसमें क्या होता है, सीपीयू जुड़े होते हैं हमारे, जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, यूएसबी डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, ये सारे उपकरण जुड़े होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, चाहे उसमें बिल्ट इन हो या हम बाहर से लगाएं। पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट या इंटरनल कंपोनेंट होते हैं सब यही मैनेज करते हैं और सब इसी से जुड़े होते हैं। तो चलते हैं इसका अदर नेम भी देख लेते हैं कि मदरबोर्ड का अन्य नाम भी क्या है। तो मदरबोर्ड का अन्य नाम है गाइस मेन बोर्ड, इसे तो मैंने पहले ही बता दिया है। मेन सर्किट बोर्ड भी इसे कहते हैं, सिस्टम बोर्ड कहते हैं, बेस बोर्ड कहते हैं, प्लेनर बोर्ड एंड लॉजिक बोर्ड, इसे इतने नामों से जान सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है नेक्स्ट स्लाइड? आपके सामने पहले मदरबोर्ड का फिगर दिखाई दे रहा है, इमेज यही है गाइस मदरबोर्ड, जो कि आपके इनसाइड द सीपीयू बॉक्स होता है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको कई सारे कंपोनेंट मिलेंगे, लाइक सीमोस मिलेगा आपको, एक्सपेंशन स्लॉट्स मिलेंगे आपको, रैम मिलेगा आपको, रोम मिलेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करते हैं कि सीमोस, एक्सपेंशन स्लॉट एंड पावर सप्लाई, मिनी फैन क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगे गाइस पावर सप्लाई के अबाउट। अगर हम कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपने देखा होगा, पहले हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम अपने लैंग्वेज में समझेंगे इसको। पावर सप्लाई यूनिट को SMPS जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको स्विच भी बोल सकते हैं गाइस, इसमें कोई वो नहीं है, के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा कैबिनेट में मौजूद सभी उपकरणों को बिजली पहुंचाई जाती है। इसका मुख्य काम बाहर से आने वाली बिजली को कंप्यूटर की जरूरत के अनुसार बदलकर मदरबोर्ड तक पहुंचाना होता है, जहां से बिजली अन्य उपकरणों को पहुंचाई जाती है। कहने का मीन्स ये है गाइस कि जो आपका पावर सप्लाई होता है लाइक काम करता है ये, जैसे हमारा होता है ट्रांसफार्मर। क्या करता है ट्रांसफार्मर? घर में जितनी भी बिजली की जरूरत होती है उतने ही घर तक पहुंचाता है, वैसे ये पावर सप्लाई करता है। बिजली तो हमें बहुत सारी मिलती है, पर हमारे सिस्टम को जितने एनर्जी की, जितने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी वो उतने ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाएगा। ये इसका सबसे मुख्य काम होता है। ये मदरबोर्ड तक क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है जितना उसको उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। चलते हैं हम इसका वो इमेज भी देख लेते हैं पावर सप्लाई कैसे होते। तो गाइज आप देख रहे हैं ये पावर सप्लाई का इमेज है, जो कि इसको उसमें लगाने पर पोर्ट में जब लगा दिया जाता है तो ये कनेक्टेड हो जाता है और हमारे मदरबोर्ड को जितने पावर सप्लाई की जरूरत होती है उतना प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मिनी फैन। तो मिनी फैन हम चलते हैं देख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू।
कूलिंग फैन, इसको कूलिंग फैन भी बोलते हैं गाइस, या हम इसको मिनी फैन भी कह सकते हैं। मिनी फैन का काम सीपीयू को अधिक गर्मी से बचाना होता है। ये हीट सिंक के ऊपर लगा रहता है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसका गाइस काम ये होता है, आप नाम से ही पता कर सकते हैं, फैन। फैन का काम क्या होता है? गर्मी निकालना होता है। तो सो ये मिनी फैन होता है, यानी कि छोटा पंखा होता है। ये मदरबोर्ड में लगा होता है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी जैसे काम करने के ड्यूरिंग उसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है वो बाहर फेंकता रहता है और हमारे मदरबोर्ड यानी कि हमारे सिस्टम को ठंडा बनाए रखता है। आपने देखा होगा सिस्टम यूज कर रहे होंगे, किनारे सिस्टम के साइड में कुछ मतलब खाने बने रहते होंगे, थोड़ा स्पेस रहता होगा, उससे गर्म गर्म हवा निकलती है। तो ये हमारा वही करता है, कूलिंग फैन की अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है और सिस्टम को ठंडा बनाए रखता है। चलते हैं हम इसकी इमेज से भी इसको देख लेते हैं। गाइज आपके सामने ये इमेज आ रही है जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है इसका इमेज। आपने ऐसा फैन देखा भी होगा अगर आपने सिस्टम कभी भी ओपन किया, अगर नहीं किया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यही होता है मिनी फैन जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से हीट निकालकर उसको कूल करता है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं गाइज, हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में। विभिन्न मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जिसमें एक्सपेंशन कार्ड को लगाया जाता है। वैसे आजकल तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड आदि बिल्ट इन आते हैं। और यदि हमें इसकी अगर जरूरत पड़ भी जाए गाइस तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से लगा देते हैं। चलते हैं डेफिनेशन में पढ़ते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सपेंशन स्लॉट में विभिन्न प्रकार के एक्सपेंशन कार्ड लगाकर अपने कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। कहने का मीन्स ये है गाइस, जो आपके एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं वो आजकल कंप्यूटर में बिल्ट इन आते हैं, हमें इसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर बाई चांस अगर आपको आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, चाहे वो वीडियो का हो, साउंड का हो या ग्राफिक्स का हो, तो आप इसको मतलब अलग से लगा सकते हैं, अलग से लेके। चलते हैं हम इसका देखते हैं। यही है गाइस, आप इमेज में जैसा कि देख पा रहे हैं यही होते हैं एक्सपेंशन स्लॉट जिसमें लगाया जाता है, चाहे वो वीडियो कार्ड हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे वो साउंड कार्ड हो, आप इसमें लगा के और उसका यूज कर सकते हैं। अगर अलग से लगाएंगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगा, अगर वो सिस्टम में आता है तो जैसे सिस्टम में दिया गया होगा वैसे ही चलेगा। चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है बायोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गाइड, मैं लिटरली बता दूं आपको ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिस्टम की कार्य क्षमता को दर्शाता है, हमारे सिस्टम का ऑन होना बताता है। तो इसको आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, बायोस को बहुत अच्छे से समझना है। तो चलते हैं डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बायोस का डेफिनेशन, सीपीयू के बगल में मदरबोर्ड पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चिप बायोस है। एक फर्मवेयर डिवाइस बायोस बूट अप पर महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। आपके सिस्टम के लिए हार्डवेयर स्टैंडर्ड और इसकी कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता के माध्यम से आपके सिस्टम को कस्टमाइज करने के तरीकों को कई तरीके बताता है। अब मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ गाइज। ये जो बायोस होता है वो फंडामेंटल कह लें या मेन प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये सबसे पहले रन करता है और ये क्या करता है, बूटिंग को प्रोसेस करता है एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में मदद करता है और हमें डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। अब आप ही सोच लीजिए गाइज, अगर बायोस नहीं होगी तो ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर पाएंगे और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लोड कर पाए तो हमें डेस्कटॉप नहीं मिलेगा और हम अपने सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसलिए मैंने कहा कि बायोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोस की मदद से हमें डेस्कटॉप स्क्रीन मिलती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर कार्य कर पाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड नहीं कर सकते तो हम सिस्टम पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे, और इसे हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोस को संजो के कौन रखता है, क्योंकि बायोस तो एक सॉफ्टवेयर टाइप होती है, एक प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है गाइस कोई हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम प्रोग्राम वैसे तो इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हम सीडी में करते हैं या डीवीडी या पेन ड्राइव या चिप में, किसी भी चीज में हम डेटा को स्टोर करते हैं या हार्ड ड्राइव हो गई, तो वैसे ही हम बायोस को किस में स्टोर करते हैं वो चलते हैं आगे। लेकिन उसके पहले आप बायोस का फिगर देखेंगे, इमेज देखेंगे अपने स्क्रीन पर। तो गाइज ये थी बायोस की इमेज। अब हम चलते हैं देखते हैं कि बायोस को स्टोर करने के लिए हमें कौन सी हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो वो गाइज है आपका सीमोस, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे गाइज। सीमोस एक छोटी रैम की तरह होती है जिसमें सभी बायोस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ताकि हर बार कंप्यूटर रिस्टार्ट या पावर ऑन होने पर कंप्यूटर इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रख सकता है। सीमोस बैटरी छोटी होती है और वे सीधे मदरबोर्ड पर अटैच होती है।
CMOS चिप में आपके कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव, डेट और टाइम आदि को स्टोर करता है। गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो आपका BIOS है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संजो के रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में मदद करता है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया गाइस, तो इससे हमें समझ में आता है कि वो क्या करता है, जो हमारे डिस्क ड्राइव है या हमारे डेट टाइम है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सिस्टम से रिलेटेड, वो वही सेव करके रखता है। अब ये तो हो गए प्रोग्राम की बात, अब हमें उसको स्टोर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम CMOS का यूज करते हैं। गाइस, CMOS एक हार्डवेयर होती है, तो ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर को, जो प्रोग्राम होते हैं उनको खुद में स्टोर कर लेती है, इसलिए फर्मवेयर कहलाती है। फर्मवेयर का मतलब होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं, उनको कहते हैं फर्मवेयर। ये क्या करता है, ये जितने भी मतलब ये BIOS की इंफॉर्मेशन को उनको स्टोर कर लेता है, और जिससे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होता है। अब क्या होता है गाइस, जब हम सिस्टम बंद करते हैं तो हमारे चिप में जो भी डेटा संजो के हमने रखा हुआ है वो तो हट जाएंगे, तो हमें क्या करता है, ये जो CMOS होता है एक बैटरी भी प्रोवाइड करता है, जो कि लगातार पावर, हमारा सिस्टम बंद होने के बाद भी लगातार पावर सप्लाई करता रहता है BIOS को, CMOS को, जिससे कि हमारे जो डेटा होते वो स्टोर रहते। तो गाइस, ये था डिफरेंस कह ले कि BIOS और CMOS में क्या अंतर। मैं फिर से एक बार समझा दूं, जो अपना BIOS होता है वो प्रोग्राम होता है, और जो CMOS होता है वो एक चिप होती है। CMOS में BIOS को रिस्टोर किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। तो गाइज, ये था होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से जरा भी कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। तो लास्ट में गाइज, फिर से कहना चाहूंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच गाइज़।